अब खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां मीरा नगर के ग्रामीण नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे हैं। वार्ड नंबर 10 के ग्रामीण धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया कि शिव मूर्ति के पास ग्रामीणों के लिए जो आने जाने का रास्ता था, उसे मिराज ग्रुप द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीण नगर पालिका का घेराव कर रहे हैं। वहीं करीब एक घंटे तक हंगामा चलने के बाद डिप्टी सहित आयुक्त कक्ष से बाहर आए और ग्रामीणों से समझाइश कर आश्वासन दिया। डिप्टी और आयुक्त की समझाइश के बाद भी कुछ ना हो सका। नगर पालिका के बाहर ग्रामीणों का ये धरना जारी है। आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका के बाहर ये ग्रामीणों का धरना जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शेखर पालेवाल। जी शेखर, बताएं। जी मैडम, ये जो मामला है नाथद्वारा नगर पालिका के बाहर, जो मीरानगर के ग्रामीण है जो नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे हैं। हेलो। जी जी सुन, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मीरानगर ग्रामीण है जो नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे हैं, जो ज्ञापन लेकर आए हैं। इनका कहना है कि शिव मूर्ति के पास इनकी आने जाने के लिए जो रास्ता है मीरानगर से, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने नगर पालिका में ज्ञापन सौंपने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है इनको, क्योंकि लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार एक घंटे के हंगामे के बाद नाथद्वारा सीआई और आयुक्त द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि मौके पर जाकर इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और ज्ञापन लेकर समाधान के लिए इन्हें वहां से अभी मौके पर बुलाया गया है। जी शेखर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।